हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सरशाद शेख। वेलकम टू माय चैनल सरशाद शेख रेसिपीज। दशहरा फेस्टिवल आ रहा है तो हम घर पे ही मिठाई बनाएंगे। आज हम बना रहे हैं कोकोनट लड्डू। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल बटन प्रेस करें जिससे आपको मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोकोनट लड्डू बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ मैंने छोटा आधा बोल शक्कर लिया था, उसमें 5 इलायची डाली थी और उसे पीस लिया है। यहाँ मैंने एक बोल गीला नारियल लिया है कद्दूकस करके। नारियल का ये कड़क हिस्सा हमने निकाल लिया है जो ब्राउन कलर का होता है वो, और बाद में कद्दूकस कर लिया है। 2 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है, 1 चम्मच चॉप बादाम लिया है मैंने, ये ऑप्शनल है। आधा चम्मच घी लिया हुआ है मैंने, फूड कलर लिया हुआ है 1 पिंच ऑरेंज कलर, 1 पिंच येलो कलर, 1 पिंच ग्रीन कलर। आधा बोल मैंने दूध भी लिया है। मैंने नॉनस्टिक पैन लिया है, गैस को मीडियम पे रखा है। आधा चम्मच इसमें घी डालना है। घी गरम होते ही कद्दूकस किया हुआ खोपरा डालना है, जिससे हम चीज़ ग्रेट करते हैं ना वो मैंने यूज़ किया था यहाँ ग्रेट करने के लिए। कंटिन्यूसली चमचा चलाते ही रहना है। दो मिनट बाद हम इसमें पीसा हुआ शक्कर और इलायची पाउडर डालेंगे। अच्छे से उसे मिक्स करके ले लेंगे और हमें चमचा चलाते ही रहना है, अदरवाइज वो नीचे लग जाएगा। अभी हम इसमें चॉप बादाम डालेंगे। आप इसमें अपने हिसाब से और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। अभी हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास दूध का पाउडर नहीं रहेगा तो आप गुनगुना दूध भी डाल सकते हो इसमें। इसे अच्छे से सॉटे करके ले लेना है हमें। अभी मैं इसमें दूध डाल रही हूँ आधा बोल। इसे अच्छे से मिक्स करके ले लेना है हमें। अभी इस मिक्सचर को थोड़ा देर पकाना है, 2 मिनट तक स्लो फ्लेम पे। जब ये मिक्सचर एक जगह जमा होने लगे तब समझ जाना कि हमारा मिक्सचर तैयार है, तब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आप प्लेन लड्डू भी बना सकते हो, मुझे कलरफुल लड्डू चाहिए थे इसलिए मैंने कलर लिए हैं ऑरेंज येलो ग्रीन। अभी मैं तीनों में आधा चम्मच पानी डालूंगी, गुनगुना पानी है ये, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके ले लूंगी। आप इसमें दूध डाल के भी मिक्स कर सकते हो। अभी मैंने मिक्सर को 4 में डिवाइड करके लिया है, ऑरेंज कलर, येलो कलर एंड ग्रीन कलर। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे और एक को प्लेन ही रखेंगे, ऑरेंज येलो ग्रीन और एक प्लेन। आपको इसे गरम में ही मिक्स करके ले लेना है और लड्डू बना लेना है। ठंडा हो जाएगा तो ये मिक्स भी नहीं हो जाएगा, पैची पैची लगेगा और ये लड्डू बनेंगे भी नहीं। तो यहाँ मैंने सब कलर मिक्स करके ले लिया है, ऑरेंज येलो ग्रीन और एक प्लेन ही रखा हुआ है। अभी हम लड्डू बनाएंगे। यहाँ मेरे 2 लड्डू बनेंगे एक कलर के, तो मैंने डिवाइड कर लिया है 2 में। मैंने यह लड्डू शेप में बनाया, सर्कल शेप में। आप इसे रोल शेप में भी बना सकते हैं। आप लड्डू को ऐसे भी सर्व कर सकते हो प्लेन, लेकिन मैंने यहाँ मेरे पास डेसिकेटेड कोकोनट था तो मैं इसमें कवर कर लूँगी और फिर सर्व करूँगी।
अभी हम सेम मेथड में बाकी के मिक्सचर के पूरे लड्डू बना लेंगे। यहाँ मैंने ग्रेट करके नारियल को लिया था, आप मिक्सर में भी पीस के ले सकते हो। आप डेसिकेटेड कोकोनट का भी बना सकते हो, जो रेडीमेड मिलता है मार्केट में, उससे जल्दी बन जाएंगे हमारे लड्डू। उसे ज़्यादा देर भूनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नारियल के लड्डू बहुत टेस्टी बनते हैं। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। आप जब ये लड्डू बनाएंगे तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना, उसका फोटो मेरा इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। हमारे लड्डू तैयार है सर्व करने के लिए।